हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने तीन कलर की वूल ली है। ये ग्रीन कलर है, ये क्रीम कलर है और ये पर्पल कलर है। और ये फ्रेंड्स देखिए मैंने 8 नंबर की इसमें सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें 9 नंबर की भी ले सकते हैं, 10 नंबर की भी ले सकते हैं, 7 नंबर की भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाना सीखते हैं। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो फंदे फ्रेंड्स मैं इसमें क्रीम कलर के डालूंगी और फ्रेंड्स हम इसको 20 फंदों से बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स फंदे किस तरह से डालते हैं। ये देखिए इस तरह से अंगूठे और उंगली से क्रॉस कराते हुए फ्रेंड्स हमें फंदा डालना है। तो ये देखिए इस तरह से, एक, दो, तीन, चार। फ्रेंड्स फंदा आपको जिस भी तरीके से आता हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसमें 20 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं, मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए एक, ये देखिए दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अट्ठारह और ये 20। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी हम इसमें क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसमें फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से एक, ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ये 11। तो फ्रेंड्स हमने 11 फंदे बुन लिए हैं जिसमें एक फंदा हमारा बढ़ गया था। और फ्रेंड्स 10 फंदे हमारे इस तरफ हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 10। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसमें हमारा दूसरा कलर लगाएंगे जो कि ग्रीन कलर है। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आप चाहे तो नोट भी लगा सकते हैं। और अब हम फ्रेंड्स इसमें 8 फंदा बुनेंगे ग्रीन कलर से। फंदों का फ्रेंड्स आपको हाफ करना है, उसके बाद आपको कलर लगाना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने 20 फंदा लिया है तो 10 फंदे बुनने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें ग्रीन कलर लगाया। तो देखिए अब हम इसमें 8 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। देखिए 2, 4, 6 और 8, 2 फंदे बिना बुने छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। सुलटी साइड में जो जिस कलर का फंदा होता है फ्रेंड्स उसी कलर से बुनना होता है। और फ्रेंड्स आप इसको, और फ्रेंड्स आपको फंदे इसमें 2 के जोड़े से लेने हैं। फिर चाहे आप कितना भी बड़ा बनाएं इसको, कितने भी फंदों से बनाएं, फंदे आपको 2 के जोड़े से ही लेने हैं। और देखिए क्रीम कलर के फंदे बुनेंगे इस तरह से, फंदे आपको इसमें 2 के जोड़े से ही लेने हैं। देखिए तो बुनते हुए उल्टी साइड को आ गए फ्रेंड्स। ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। फ्रेंड्स डिज़ाइन आपको उल्टी साइड से ही डालना है, ये ध्यान रहे। तो ये देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे। तो फंदा इस तरह से बढ़ाएंगे देखिए फ्रेंड्स, और सिलाई पे लपेटते और फंदा बढ़ाएंगे। और अब ग्रीन कलर के फंदे ग्रीन कलर से बुनेंगे। और फ्रेंड्स आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, पूजा के आसन, थाल पोश, टेबल मैट। और फ्रेंड्स आप इसको पायदान के लिए बना रहे तो फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं।
तो देखिए दो फंदे ग्रीन कलर के छोड़ दिए हैं और यहीं से पलट जाएंगे। सुलटी साइड से जो जिस कलर का फंदा होता है फ्रेंड्स, उसी कलर से बुनना होता है। सुलटी साइड हमें कुछ नहीं करना, सुलटी साइड में हमें जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बुनना है। तो ये देखिए ग्रीन को पीछे ले जाएंगे और क्रीम कलर को आगे ले आएंगे इस तरह से, और क्रीम कलर के फंदे क्रीम कलर से ही बुनेंगे। और फ्रेंड्स, आप कलर कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरे कलर कॉम्बिनेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए बुनते ऊपर को आ गए हैं, फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब क्या करना, जैसे कि हमने ये हमारी दो दो चार चार सिलाई बुन ली हैं, तो कंप्लीट हमारी दो रो बन गई हैं। ये देखिए एक और ये दो। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए फंदा फिर से बढ़ाएंगे हम इस तरह से सिलाई पे लपेटते हुए धागे को, तो इस तरह से हमारा फंदा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। फंदा फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से आता हो बढ़ाना, आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं, बट ये सबसे आसान और ईजी तरीका है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस तरह से ही बढ़ाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये दो रो बुनने के बाद फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, दो रो बुनने के बाद हमारे अब हमारे डिजाइन फिर से डालेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हम चार फंदे ग्रीन कलर से बुनेंगे। देखिए एक दो और ये तीन और ये चार। तो ये चार फंदे हमारे ग्रीन कलर के हो गए हैं और बाकी के चार फंदे और बुनेंगे हम। तो ये हमारे आठ फंदे हो जाएंगे और दो फंदे फ्रेंड्स हम नीचे को बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए बुनते ऊपर को आ गए हैं, उल्टी साइड को फिर से फंदा बढ़ाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए इस तरह से हमारा फंदा बढ़ेगा। और फ्रेंड्स, आप इसको कितने भी फंदों से बनाएं, कितना भी बड़ा बनाएं, तरीका सेम रहेगा फ्रेंड्स। देखिए फिर से इसे फंदों को बुनेंगे। दो चार सिलाइयाँ बुनने के बाद फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट दो रो हो जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चार फंदे ऊपर को बढ़ाने होते हैं, लेने होते हैं। तो देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए हैं और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये भी दो रो हो गई हैं। अब क्या करेंगे, फिर से देखिए फ्रेंड्स, फंदा बढ़ाएंगे हम इस तरह से सिलाई पर लपेटते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से हम चार फंदा ऊपर को ग्रीन कलर से बुनेंगे। ये देखिए चार फंदे वाइट वाले हम ग्रीन से बुनेंगे। ये देखिए एक दो तीन और ये चार, और भी चार फंदे हम नीचे से ग्रीन वाले बुनेंगे, तो हमारे आठ फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, और दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे, नीचे पलट जाएंगे। उल्टी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए बुनते ऊपर को आ गए हैं फिर से ऐसे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं देखिए फिर से ग्रीन कलर को बुनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये चार सिलाइयाँ बुनने के बाद कंप्लीट दो रो बन जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर को चार फंदे ऐड करने होते हैं। देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एक एक फंदा बढ़ाते हुए, दो दो फंदे छोड़ते हुए फ्रेंड्स हम इसके जो हमने 20 फंदे डाले हैं वो 20 फंदे छोड़ लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो मैं इनको बुन लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको बुन लिया है। और ये देखिए हमने दो दो करते फ्रेंड्स नीचे को, ये हमारे जो हमने 20 फंदे डाले थे वो छोड़ दिए हैं। ये देखिए दो हमारे ये वाइट वाले हैं। ये देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह और ये 20। ये 20 फंदे हमने जो डाले थे वो छोड़ दिए हैं फ्रेंड्स। और ये 10 फंदे हमने जो एक एक करके बढ़ाए फ्रेंड्स, हमारा ऊपर को बढ़ गया है। देखिए दो चार छः आठ दस, चार फंदे हमारे क्रीम कलर वाले हैं और छः फंदे हमारे ग्रीन कलर के हैं। देखिएगा फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अभी तक क्या कर रहे थे हम, ऊपर को एक एक फंदा बढ़ा रहे थे, दो दो फंदे नीचे को छोड़ रहे थे।
अभी तक हम ऊपर को आ रहे थे, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम नीचे को जाएंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब एक एक फंदा घटाएंगे और दो दो फंदे उठाते जाएंगे। ये देखिए दो का एक करते हुए अभी हम क्रीम कलर वाले फंदे चार हैं हमारे, देखिए ये घटा दिया और ये तीन, देखिए तीन फंदे हो गए। अभी चार फंदा, जैसे कि हम चार फंदा ऊपर को आ रहे थे ऐसे ही चार फंदा नीचे को डाउन जाएंगे। देखिए अब चार फंदे हम, पहले हम चार फंदे ऊपर को ग्रीन से बुन रहे थे, अब चार फंदा नीचे को हम क्रीम कलर से बुनेंगे। देखिए एक दो तीन और ये चार, ये देखिए ये हमारे एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया था क्रीम कलर वाला, ये चार थे, तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे हो गए। और अब छः फंदे फ्रेंड्स हम इसमें ग्रीन कलर से बुनेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः, और यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। देखिए सुलटी साइड से हमें कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, सुलटी साइड से जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बुनना होता है। ये देखिए ग्रीन को पीछे ले जाएंगे, वाइट को आगे ले आएंगे, इस तरह से हमें फंदा बुनना होता है सुलटी साइड से। फिर से ऐसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स दो फंदे का एक करेंगे और बुन लेंगे अब हम इस तरह से, सॉरी अभी हम ग्रीन कलर से ही बुनेंगे। छह फंदा हमारा ये है फ्रेंड्स ग्रीन से, और दो फंदे यहाँ से ले लेंगे गैपिंग के लिए, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और दो दोनों का एक करते हुए बुन लेंगे इस तरह से, और यहीं से पलट जाएंगे। सुलटी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए बुनते उल्टी साइड को आ गए हैं। फिर से ऐसे करेंगे, दो का एक करते हुए फंदा बुनेंगे और नीचे की साइड से फिर हम चार फंदा डाउन जाएंगे। ये देखिए चार फंदे अब हम ग्रीन वाले, क्योंकि हमारी दो रो हो गई हैं, अब चार फंदे ग्रीन वाले हम वाइट सॉरी क्रीम कलर से बुनेंगे। देखिए एक दो तीन और ये चार, चार फंदे बुन लिए फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई है। अब क्या करेंगे, ग्रीन कलर के बुनेंगे अब हम, चार फंदे हमारे ग्रीन के हैं और दो फंदे हम नीचे से ले लेंगे ये देखिए, और एक फंदा यहाँ से उठाएंगे गैपिंग के लिए, तो ये दोनों एक साथ बुन लेंगे। तो पहले क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, हम एक एक फंदा ऊपर को बढ़ा रहे थे, यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स बुनते हुए फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। फिर से ऐसे ही करेंगे, देखिए दो का एक करते हुए फ्रेंड्स हम फंदा घटाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमें एक एक फंदा ऊपर को बढ़ाना है और दो दो फंदे नीचे को छोड़ना है। दो रो कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स हमारे को चार फंदा ऊपर को आना है, उसके बाद फ्रेंड्स हमें, तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे को फंदा घटाना है, जैसे हमने बढ़ाया है ऐसे ही हमें फंदा घटाते जाना है। तो देखिए छह फंदे हमारे, दो फंदे यहाँ से ले लेंगे, तो ये देखिए दोनों एक साथ बुन लेंगे, तो यहीं से पलट जाएंगे। तो जैसे फ्रेंड्स हमने फंदा बढ़ाया, ऐसे एक एक फंदा फ्रेंड्स मैं घटा लेती हूँ और दो दो फंदे नीचे से उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे जो ग्रीन कलर के थे वो सारे फंदे उठा लिए हैं, अभी हमारे जो लास्ट के दो फंदे छूटे थे क्रीम कलर से, अब उनको उठाएंगे और एक फंदा हम और घटाएंगे। तो ये देखिए दो का एक करते हुए हमें फंदा घटाना है, और अब सारे फंदे फ्रेंड्स हम इसके क्रीम कलर से बुन लेंगे पूरी रो को।
तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये एक कली पूरी हो गई है और ये हमारी पत्ती का डिज़ाइन पूरा हो गया है। अब क्या करना फ्रेंड्स, अब हम हमारी दूसरी कली बुनेंगे। तो दूसरी कली दूसरे तरीके से है फ्रेंड्स, तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। ये देखिए दो फंदे फ्रेंड्स हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। अब हम हमारा तीसरा कलर लगाएंगे जो कि हमारा है पर्पल कलर। तो ये देखिए अब हम हमारा इसमें ये पर्पल कलर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो नोट भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से भी बुन सकते हैं। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। तो ये देखिए हमने 16 फंदे बुन लिए हैं और दो फंदे बिना बुने छोड़ दिए हैं और यहीं से पलट जाएंगे। ये अभी फ्रेंड्स हमारी दूसरी कली का डिज़ाइन शुरू हो गया है। अब हम ये कली हमारी पर्पल कलर से बुनेंगे। देखिए सुलटी साइड से जो जिस कलर का फंदा होता है फ्रेंड्स, उसी कलर से बुनना होता है। तो देखिए अब क्रीम कलर के फंदे बुनेंगे। देखें तो देखिए इस तरह फिर से उल्टी साइड पर आ गए हैं। अभी फ्रेंड्स जो हमारे अब हम इस कली में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, ये नॉर्मल कली है हमारी सिंपल कली। और जो दो फंदे या बॉर्डर के ये हम ऐसे ही रखेंगे और अब बाकी के पर्पल कलर से बुनेंगे। ये दो फंदे फ्रेंड्स हमें ऊपर तक ऐसे ही रखने हैं। इस कली में फ्रेंड्स हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, बट दो दो फंदे हमें नीचे को छोड़ते जाने हैं। तो देखिए पर्पल कलर के दो फंदे, फिर दो फंदे छोड़ दिए बिना बुने और यहीं से पलट जाएंगे। सुलटी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो मैं इनको बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। फिर देखिए बुनते हुए फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। फिर से ऐसे ही करेंगे। इस कली में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, ये दो फंदे वाइट कलर के ऐसे ही बुनेंगे हम, सॉरी क्रीम कलर के, और बाकी के पर्पल कलर के। और बुनते हुए फ्रेंड्स नीचे को दो फंदे हम छोड़ देंगे। इस वाली कली में हमारा ये डिजाइन है फ्रेंड्स, दो दो फंदे हमें नीचे को छोड़ते जाना है इस तरह से। तो ये देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए बिना बुने और यहीं से पलट जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही दो दो करते हुए फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर तक फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सभी फंदों को छोड़ लिया है। अब हमारे दो फंदे पर्पल के हैं, दो फंदे वाइट कलर के। अब हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी इस तरह से हाफ कली बन गई है। और अब क्या करना फ्रेंड्स, देखिए जैसे हमने फंदे छोड़े थे वैसे ही हमें फंदा उठाना है। तो दो फंदे वाइट क्रीम कलर के बुन लिए हैं और दो फंदे पर्पल वाले बुन लेंगे और दो फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे जो हमने छोड़े हैं, सॉरी, और यहीं से पलट जाएंगे। सुलटी साइड से जो जिस कलर का फंदा होता है उसी कलर से बुनना होता है। सुलटी साइड से हमें कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हमें फंदा बुनना है। फिर से बुनते उल्टी साइड को आ गए हैं। देखिए दो फंदे वाइट सॉरी क्रीम कलर के बुनेंगे और बाकी के जो चार फंदे हैं वो पर्पल से, और दो फंदे हम फिर से नीचे से ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से गैपिंग के लिए एक फंदा उठाएंगे और ये उठाया हुआ फंदा और ये दोनों एक साथ बुन देंगे। तो इससे ना कोई फंदा हमारा बढ़ेगा ना फंदा घटेगा और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। डिजाइन फ्रेंड्स हमें उल्टी साइड से ही डालनी है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ज़रूर। देखिए अभी पर्पल के हमारे छः फंदे हैं, दो फंदे और उठा लेंगे नीचे से।
देखें, एक फंदा यहाँ से गैपिंग के लिए उठाएंगे और ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन लेंगे। तो हमारे 8 फंदे हो गए, यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स हमने दो दो करते हुए फंदे छोड़े थे, ऐसे ही दो दो करते हुए फ्रेंड्स मैं पर्पल वाले सारे फंदे उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये पर्पल वाले हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। जैसे कि हमने दो दो छोड़े थे वैसे ही हमने इनको उठा लिया है। अभी फ्रेंड्स हमारे दो फंदे क्रीम कलर वाले बचे हैं और दो ऊपर को हैं। तो अब फ्रेंड्स हम ये सारे फंदे क्रीम कलर से ही बुनेंगे। अब हम ये पूरी रो क्रीम कलर से ही बुनेंगे। देखिए लिए हैं, तो उल्टी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी ये दूसरी कली भी बुन ली है। तो ये दोनों फ्रेंड्स हमारी अलग अलग डिजाइन से कली बनेंगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारी ये वाली कली बनेगी और इसके बाद फिर से हमारी ये वाली कली बनेगी। तो फ्रेंड्स आप चाहें इसको कितना भी बड़ा बनाएँ, कितने भी फंदों से बनाएँ, फ्रेंड्स तरीका सेम रहेगा, इसी तरह से बनेंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं इसकी बाकी की कलियाँ भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पायदान बनने के बाद कैसा दिखता है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बना लिया है और अभी मैंने इसके फंदे बंद नहीं किए हैं, तो मैं आपको इसको फंदे भी बंद करना बताऊँगी, फंदे किस तरह से बंद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दो का एक करते हुए हमें फंदा बंद करना, इस तरह से दो फंदों का एक करना है। ये देखिए, फिर से इसी में डालेंगे और फंदा बुनते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, हर बार हमें ऐसे ही करना है, दो का एक करते जाना है। जैसे कि फ्रेंड्स हम फंदा घटाते हैं, ऐसे ही हमें फंदा बंद करना होता है। फंदे फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से आते हों आप उस तरीके से बंद कर सकते हैं। ये देखिए, फंदा बंद करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से फंदे बंद होते हैं हमारे। देखिए ये हमारे फंदे बंद हो गए और लास्ट वाले फंदे को फ्रेंड्स इस तरह से बड़ा करके इस तरह से पैक कर देंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फंदे बंद हो गए हैं। अभी फ्रेंड्स मैं आपको इसको सिलना भी बताऊंगी, सिलते किस तरह से हैं। तो देखिए, इस तरह से उल्टा करना है और दोनों किनारों को बराबर इस तरह से पकड़ते हुए फ्रेंड्स हमें सिलना है। ये देखिए, मोटी सुई और धागा लेना है और इस तरह से हमें सिल लेना है। इसको सिलना भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। जस्ट सिंपल आपको मोटी सुई और धागा लेना है और सिल लेना। फ्रेंड्स फंदे बंद करना मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ और सिलना भी बताती हूँ आपको कि सिलती किस तरह से हैं। तो देखिए मैंने इसको सिल दिया है। बीच वाले होल को इस तरह से फंदे उठाते हुए हम बंद कर देंगे। तो देखिए बंद हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बना लिया है और ये बनने के बाद देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स ये स्क्वायर शेप में बना है देखिए। और फ्रेंड्स ये बहुत ही यूनिक और नए डिजाइन का पायदान मैंने आपको बना के दिखाया है। और फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें 8 कलियाँ बनी हैं, 4 हमारी ये कली बनी है, 4 हमारी ये कली बनी है। और फ्रेंड्स इस तरह से इसमें 8 कलियाँ बनी हैं। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान ऐसे ही बनेगा, इसकी जितनी भी कलियाँ फ्रेंड्स इसी तरह से बनेंगी, तरीका सेम रहेगा, आप चाहे कितने भी फंदों से बनाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों की रिप्लाई करूँगी। और फ्रेंड्स आपको आगे किस तरह के डोरमेट की डिज़ाइन देखनी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर बना के दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।